सुप्रभात भैया बहनों, आज कक्षा 8वीं में विज्ञान विषय में पाठ 13 खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन, इसका दूसरा वीडियो हम आपको डाल रहे हैं। तो इसमें बीजों का चयन एवं बीजोपचार के बारे में स्टार्ट करना है ना। बीजों का चयन हम किस प्रकार से करेंगे, बीजोपचार क्या है इसके लिए। तो बीजों का चयन, जिस फसल के पौधे उगाना है उसके पूर्णतः स्वस्थ, अच्छी अंकुरण क्षमता वाले, रोग प्रतिरोधक बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी पैदावार के लिए समुन्नत अथवा संकरित बीजों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित तरीके से अच्छे बीजों का चयन किया जा सकता है, अब वो क्या तरीके हैं, इसके लिए कुछ क्रियाकलाप भी करना होगा। जैसे एक क्रियाकलाप है, एक उसमें जो आवश्यक सामग्री है वो है, एक बड़ा बीकर ले लेना है या कटोरा लेना है, गेहूं अथवा चने के पुराने बीज लगभग 50 ग्राम तथा पानी, ठीक है। इतना लेकर गेहूं अथवा चने के बीजों को पानी से भरे बीकर अथवा कटोरे में डाल देना है। 1-2 घंटे के बाद इनका अवलोकन करना है। आप देखते हैं कि जो बीज पानी में तैर रहे हैं वे हल्के हैं, ये कीड़े द्वारा खाए गए अथवा खोखले हो सकते हैं। कुछ बीज फूलते भी नहीं हैं, ऐसे बीज खराब होते हैं तथा अंकुरित नहीं होते हैं। जो बीज बर्तन में तली में बैठ गए हैं वे स्वस्थ और उपयुक्त होते हैं। बीजों में फफूंद अथवा अन्य रोगाणुओं के बीजाणु अथवा अंडे लगे हो सकते हैं जो इनके अंकुरण को प्रभावित करते हैं। अतः बीजों को बुवाई के पूर्व फफूंदनाशी अथवा रोगाणुनाशी के हल्के घोल से उपचारित कर लेना चाहिए। कुछ बीजों के छिलके मोटे एवं कड़े होते हैं जिससे उनमें अंकुरण देर से होता है। ऐसे बीजों को गर्म पानी में 3 से 4 घंटों तक के लिए डुबो देना चाहिए जिससे इनके छिलके मुलायम हो जाते हैं और अंकुरण में आसानी होती है, ठीक है, आसानी से अंकुरण हो जाता है। बुवाई के पूर्व बीजों को रोगाणु मुक्त करने एवं उनमें शीघ्र अंकुरण के लिए तैयार की जाने वाली गतिविधियों को बीजोपचार कहते हैं, ठीक है। तो बीजोपचार क्या है, बुवाई के पूर्व बीजों को रोगाणु मुक्त करने एवं उनमें शीघ्र अंकुरण के लिए तैयार की जाने वाली गतिविधियों को बीजोपचार कहते हैं। संकरित बीज क्या है, एक ही प्रजाति के भिन्न भिन्न गुणों वाले पौधों में कृत्रिम रूप से निषेचन कराकर वांछित गुणों वाले बीज प्राप्त किए जाते हैं, यह विधि संकरण कहलाती है। तथा इस विधि से प्राप्त बीज संकरित बीज कहलाते हैं। संकरित बीज उन्नतशील होते हैं। बीजों की बुआई के बारे में चर्चा करते हैं, किस प्रकार से की जाती है। तो बीजों की बुवाई विभिन्न प्रकार से की जाती है, मशीन के द्वारा की जाती है, बीज वेदन विधि कहलाती है, और छरहटा या प्रसारण विधि होती है, इसके द्वारा भी की जाती है। इसमें बीजों को खेत में अंकुरण हेतु डालने की क्रिया को बुवाई कहते हैं। बुवाई के लिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बीजों को अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी, वायु एवं प्रकाश मिलता रहे तथा बीजों के बीच पर्याप्त अंतर रहे। इसकी विधियां हमने आपको बताई ही कि छर हटाया प्रसारण विधि, मतलब इसमें हाथ से पूरे मैदान में खेत में जुताई के पहले बीज का छिड़काव कर दिया जाता है और फिर उसके बाद जुताई कर दी जाती है जिससे बीज मिट्टी में दब जाते हैं। इस विधि द्वारा कम समय में बड़े क्षेत्र की बुवाई की जा सकती है। अधिकांश धान्य फसलों की बुवाई छर हटा विधि द्वारा ही की जाती है, ठीक है। बीज वेदन विधि, इस विधि में मशीन के द्वारा बीजों की बुवाई की जाती है। बीज वेदक यंत्र का उपयोग किया जाता है। सरल बीज वेदक में एक लंबी नली होती है जिसके ऊपर सिरे पर ऊपरी सिरे पर कीप या चोंगा लगा देते हैं या लगा होता है। इसे हल के पीछे बांध दिया जाता है, बीजों को कीप में डाला जाता है, नली से होते हुए ये बीज खेत में हल से बनी दरारों में गिरते जाते हैं। इस तरह बीज की एक कतार में समान गहराई में दबते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके सरल बीज वेदक और उन्नत बीज वेदक हैं। सीड ड्रिल भी आता है आज की डेट में, जो और उन्नत है सीड ड्रिल, ये भी उसी का ही एक रूप है, जो ट्रैक्टर से चलते हैं सीड ड्रिल, वो बड़ी होती हैं, है ना। तो उन्नत किस्म के बीज वेदक में 5-6 नलियों के लिए एक ही कीप होती है जिसे इस चित्र में आपको दिखाया गया है। 6 कतारों में एक साथ बुआई की जा सकती है। ये यंत्र ट्रैक्टर की सहायता से चलाए जाते हैं। एक क्रियाकलाप और कर लेते हैं, दूसरा, समान आकार के बीकर लेना है और गेहूं के दाने एवं पानी उनमें
लेना है, डालना है, ठीक है। चारों बीकरों को क्रमशः ए बी सी डी नाम दे देना है और प्रत्येक बीकर पे गेहूं के 10-10 स्वस्थ दाने डाल देने हैं। बीकर ए बी सी को लगभग 3 सेंटीमीटर और डी को 6 सेंटीमीटर तक मिट्टी से भर देना है। बीकर ए को पानी से पूरी तरह भर देते हैं और इसके स्तर को स्थिर रखते हैं। बीकर बी को सूखा रहने देते हैं। बीकर सी एवं डी में इतना पानी डालते हैं कि मिट्टी गीली रहे एवं उनमें नमी बनी रहे। कुछ दिनों तक चारों बीकर का अवलोकन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है, किस बीकर में अंकुरण अधिक हुआ है, क्या बीकर ए बी डी में बीज अंकुरित हुए हैं, यदि नहीं तो क्यों नहीं हुए। इन उन परिस्थितियों को लिख दें जिनमें अंकुरण अच्छा होता है। तो अभी हमने आपको बुआई के समय बताया कि क्या क्या चाहिए होता है, तो वो परिस्थितियां हैं जिनमें अंकुरण अच्छा होता है। रोपण विधि क्या है, कुछ फसलों जैसे प्याज, मिर्च, टमाटर, गोभी, भाटा आदि के बीज खेत अथवा जमीन में सीधे बोए जाते हैं, बल्कि सीधे नहीं बोए जाते बल्कि उनके बीजों को पहले रोपणी अथवा नर्सरी में छोटी छोटी क्यारियों में उगाया जाता है, फिर उसके बाद उनको दूसरे खेत में लगाया जाता है, ठीक है। जमीन से छोटे छोटे पौधे या थरहा तैयार हो जाते हैं, तब स्वस्थ पौधों को छांटकर खेत में उचित दूरी पर लगा देते हैं। इस विधि को रोपण विधि कहते हैं। हमारे प्रदेश में जहां पानी की पर्याप्त उपलब्धता और सिंचाई के समुचित साधन हैं, वहां धान की बुवाई रोपण विधि से की जाती है। ये आपका देख रहे हैं रोपण विधि है, ठीक है। खाद देना क्या है, पौधों को सही बढ़ोतरी के लिए विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है, इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पौधे इन्हें प्राय मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। लगातार फसल उगाए जाने पर खेत में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, फलस्वरूप भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम होती है। अतः भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए भूमि में खाद डाली जाती है। खाद मुख्य रूप से पौधों तथा जंतुओं के अवशेष, मल मूत्र, कूड़ा करकट तथा सड़े गले पदार्थों से तैयार की जाती है, इन्हें जैविक खाद कहते हैं। जैविक खाद निम्नलिखित प्रकार की होती है, पहला गोबर खाद, दूसरा कंपोस्ट खाद, तीसरा हरी खाद। गोबर खाद क्या है, यह मुख्यतः पशुओं के गोबर से बनती है। इसमें गोबर को गड्ढे में दबाकर सड़ाने की क्रिया से तैयार किया जाता है, जिसमें पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं। कंपोस्ट खाद क्या है, इसमें कूड़ा करकट, पौधों तथा पशुओं के अवशेष आदि को गड्ढे अथवा विशेष रूप से बनाई गई टंकियों में सड़ाकर तैयार किया जाता है। इसमें पशुओं के गोबर तथा मलमूत्र कम मात्रा में होते हैं, किंतु गोबर खाद की तरह इसमें भी पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं। हरी खाद क्या है, विभिन्न फलीदार पौधे जैसे सनई, तिवरा, ढेंचा, लोबिया, बरसी, मसूर, जमीन की सतह पर फैलने वाले पतले और कोमल तने तथा अधिक शाखा युक्त पौधों को खेत में सीधे ही दबाकर सड़ाने से हरी खाद प्राप्त होती है। यह खाद धान, मक्का, गेहूं आदि फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। तो इस प्रकार से हमने खाद के बारे में भी जान लिया कि खाद कितने प्रकार की होती है। ये सारी खादें क्या है, ये जैविक खादें हैं, ठीक है। गोबर खाद, कंपोस्ट खाद और हरी खाद, अर्थात ये तीनों खाद कैसी खाद हैं, जैविक खाद हैं, ठीक। अब कंपोस्ट खाद कैसे बनाते हैं इसको भी देखते हैं, किस प्रकार से कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। तो कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किसी भी एक जगह पर, खुली जगह पर जहां आने जाने में असुविधा ना हो, एक मीटर गहरा, लंबा और चौड़ा गड्ढा खोद लेना है और उसमें आसपास के कचरे, कागज के टुकड़े, पेड़ पौधों की टहनियां, पत्तियां, फलों के छिलके, पशुओं के गोबर जैसे व्यर्थ पदार्थों से गड्ढे को 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर देना है। फिर उसके बाद उसमें गोबर, मिट्टी, पानी का घोल अच्छी तरह से छिड़क देना है और फिर उसके ऊपर फिर इसी प्रकार से कूड़े करकट के मिश्रण की परत फैलाकर गोबर मिट्टी के घोल से तर करें। ये क्रम बार बार दोहराते रहना है जब तक गड्ढा 50-60 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ना भर जाए। अब इस ढेर को गीली मिट्टी से ढककर गोबर से लीप दें और इसको 3-4 महीनों के लिए छोड़ दिया जाता है। 3-4 महीने के बाद जब हम देखते हैं तो गड्ढा क्या हो जाता है, पिचक जाता है। उसके अंदर के सभी पदार्थ जो होते हैं वो काले भुरभुरे रंग के हो जाते हैं, पदार्थ में बदल जाते हैं और इसी को कंपोस्ट कहते हैं। इसका प्रयोग हम अपनी बागवानी में खाद के रूप में कर सकते हैं, साथ ही
शाला को या अपने घर को, आसपास की जगह को स्वच्छ भी बना करके रख सकते हैं। केचुआ खाद या वर्म कास्टिंग या वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट जैव अपशिष्टों को शीघ्रता से अपघटित करने के लिए केचुए का उपयोग किया जाता है। केचुए मिट्टी में उपस्थित सड़े गले अपशिष्टों को खाते हैं और मल के द्वारा उन्हें जैविक खाद के रूप में निकाल भी देते हैं। इन्हीं को केचुआ खाद या वर्म कास्ट कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आदि पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। केचुए गंदगी का निवारण कर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं एवं जैविक खाद भी उपलब्ध कराते हैं, इसलिए इनको किसान का मित्र या कृषि मित्र कहा जाता है। अब बात करते हैं उर्वरकों की। तो उर्वरक क्या है? अभी तो हमने खाद की बात की, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट तैयार किए, लेकिन अब बात करते हैं उर्वरक। तो उर्वरक क्या होते हैं? भूमि में कुछ विशेष पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की पूर्ति हेतु किसान रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग विशेष पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति हेतु किया जाता है उन्हें उर्वरक कहते हैं। ठीक है, ऐसे रासायनिक तत्व पदार्थ जिनका उपयोग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति के लिए किया जाता है उन्हें उर्वरक कहते हैं। अब नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है? ये पौधों को नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति कराते हैं। इसमें यूरिया, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि प्रमुख नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं। ये पत्तियों वाली फसलें जैसे पत्ता गोभी, पालक आदि के लिए आवश्यक होती है। इनके उपयोग से पौधों में तेजी से वृद्धि होती है। फॉस्फेटी उर्वरक क्या है? इनसे पौधों को फॉस्फोरस तत्व की पूर्ति होती है। इनके उपयोग से जड़ें तथा तना मजबूत होते हैं। ये दलहन पौधों के लिए अति आवश्यक होती है। कैल्शियम सुपरफॉस्फेट इस वर्ग के उर्वरक हैं। तीसरा, पोटेशियम उर्वरक। ये पौधों को पोटेशियम तत्व की पूर्ति कराने वाले उर्वरक होते हैं। ये कंद वाली फसलों के लिए लाभदायक होते हैं। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड प्रमुख पोटेशियम उर्वरक हैं। फसलों में खाद एवं उर्वरक दोनों के लिए, उर्वरक देने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, सॉरी दोनों नहीं है, देने के लिए। ठीक है, जैसे खेतों में बिखेर कर पौधों के चारों ओर बने कुंड में डालकर उर्वरकों को पानी में घोलकर छिड़काव करके, अथवा सिंचाई के लिए बनाई गई नालियों के मुहाने पर उर्वरकों को रख दिया जाता है जिसमें वह प्रवाहित जल में घुलकर पौधों तक पहुंच जाते हैं। उर्वरकों के समुचित प्रयोग से पैदावार में बढ़ोतरी होती है, किंतु इनके अत्यधिक प्रयोग से रसायन सिंचाई एवं वर्षा के जल द्वारा बहकर नदियों एवं तालाबों में भी पहुंच जाते हैं, जिससे उनको प्रदूषित करते हैं और पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ते भी हैं। आप अपने आसपास के उन तालाबों अथवा पोखरों का अवलोकन कर सकते हैं जहाँ मछली पालन किया जाता है। मछलियों को चारा उपलब्ध कराने के लिए तालाब में के पानी में उर्वरक अथवा खाद डाली जाती है। इसके प्रभाव से पानी में शैवालों तथा अन्य जलीय पौधों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है और तालाब का पूरा पानी हरा हरा दिखाई देने लगता है। कुछ समय बाद तालाब से दुर्गंध भी आने लगती है। क्यों आती है? शैवालों की बहुत अधिक वृद्धि के कारण होने वाले परिवर्तनों से पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जल में रहने वाले अन्य जीवों को श्वसन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस दशा को न्यूट्रोफिकेशन कहते हैं, सुपोषिता कहते हैं। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो वो नीचे सड़ने लगते हैं, गल जाते हैं, और जिससे वहाँ के पानी में दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, तो दुर्गंध क्यों आती है? इसका उत्तर भी है, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। धान की खड़ी फसल में किसान जब पानी भर कर रख देता है तो इसमें हरी हरी काई बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाती है। ये नीले हरे शैवाल हैं। ये भी जो नील हरित शैवाल या नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर भूमि में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाते हैं। किसान सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा तथा नीले हरे शैवालों का प्रयोग कर जैव उर्वरक के रूप में फसलों की उपज बढ़ाने के लिए करते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं या नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की
जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं। मतलब कोई भी जो दलहन पौधा होगा उसकी जड़ों को आप उखाड़ करके देखिए तो उसकी जड़ों में गांठें पाई जाएंगी और उन गांठों में ही वो एक बैक्टीरिया रहता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करके नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में यौगिकों में बदलकर उसको मिट्टी में मिला देता है, जिसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। तो उसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, नाम याद रखिएगा, राइजोबियम। ओके, बात करते हैं अब फसल चक्र की। एक ही फसल को बार बार बोने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए फसलों को अदल बदल करके बोया जाता है। प्रायः अनाज की फसलों के बाद दलहन की फसल बोई जाती है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की उपलब्धता बनी रहती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में तोड़ देता है, बदल देता है और मिट्टी में मिला देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। ठीक है, अंतर्वर्ती फसलें क्या है? एक ही समय में एक ही स्थान पर एक से अधिक फसलों का बोना मिश्रित फसल कहलाता है। और जब विभिन्न फसलों को अलग अलग कतारों में एक के बाद एक बोते हैं तो इसे अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। जैसे गेहूं, गेहूं के बाद चना, चना के बाद सरसों, ये अलग अलग कतारों में, चार कतारें गेहूं की हैं, फिर चार कतारें चना की हैं, फिर चार कतारें सरसों की हैं। अर्थात इस तरह से जो हमारे पास फील्ड थी उसमें हमने चार चार कतारों में या दस दस कतारों में हमने गेहूं, चना, सरसों बो दिया। मूंगफली या सूरजमुखी, इनको बो दिया। तो ये आपका अंतर्वर्ती फसलें कहलाती हैं या फसल चक्र भी इसको कहा जाता है। अब सिंचाई के बारे में हम आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, सिंचाई कैसे होती है, फिर उसकी हार्वेस्टिंग किस प्रकार से होगी, फिर उसका जो स्टोर करना है, भंडारण है, वो किस प्रकार से होगा, और फिर चैप्टर का एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको तैयार करिए और अपनी कॉपी ज़रूर कंप्लीट करते जाइएगा। ठीक है, और याद भी करते जाएँ। धन्यवाद।